कली वाला कुर्ता बता रहे हैं। आस्तीन की चौड़ाई 8 इंच, आस्तीन की लंबाई 22 इंच, बटन्स भी लगाएंगे। कली की अक्षर लिखे, कली की ऊपर की चौड़ाई 3 इंच, बमे सिलाई के ना ऊपर की कली की लंबाई 3 इंच और कली की नीचे की चौड़ाई 6.5 इंच बमे सिलाई के, और रुमाल की चौड़ाई जो है वो 3 इंच है और लंबाई जो है वो 5.5 इंच है। कली के नीचे की चौड़ाई 6.5 इंच और रुमाल की लंबाई जो है वो 5.5 इंच है और जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। गले की लंबाई 5.5 इंच है और गले की चौड़ाई 3 इंच है। सामने लिखा हुआ है गले की चौड़ाई 3 इंच और गले की लंबाई 5.5 इंच। चेन भी पहन सकती हैं, आपकी मर्जी है। और बटन पट्टी जो है 9 इंच लंबी है और चौड़ी जो है वो 1 इंच, मतलब 1 इंच में 1.9। और ये तालीस जो नोक बनी है ना ये 1 इंच है। 8 के लाने के बाद ना 1 इंच ना 9 का क्रॉस कर दी। ये कुर्ते का आठ आस्तीन है। ये इसका ये इस तरह से होगा, लेकिन मैं दोनों तरह से बना के दिखा रही हूँ।
ये फुल बता रहे हैं। जेंट्स के अंदर ये जो रुमाल है ना, लेडीज का ये होता है कि यहाँ से ये लंबा होता है, ऐसे होता है कि लेडीज का है 5.5 और 3। और जेंट्स का क्या होता है, ये चौकोर कपड़ा लेते हैं, बिल्कुल चौकोर, और फिर इसको आधा मुंह यहाँ से वापस पलट के ले आते तो ये इस शेप में लगता है, ट्राइंगल होता है हमारा, थोड़ा लंबा। अच्छा, और दूसरे ये होता है कि मर्दानी में फर्क ये होता है कि मर्दाना जो कुर्ता होता है ना, उसकी जो बटन पट्टी होती है ना चौड़ी वाली, वो उल्टे हाथ पे होती है और लेडीज सीधे हाथ पे होती है। ये दो बातों का फर्क होता है, बाकी सब सेम होता है। बाकी सब सेम होता है, आस्तीन सब कुछ। लेडीज का पीछे की गले की शेप होती है, लेकिन जेंट्स के नहीं होती। और जेंट्स के आस्तीन में कन्नी आना लाजिम होता है, लेकिन अगर लेडीज के नहीं आती है कपड़ा कम्फर्ट का तो सीधे रख लो या स्लाइड कर लो लेस लगा, लेकिन जेंट्स के लिए ना कन्नी आना जरूरी होता है, उसके लिए हमें कपड़ा ज़्यादा देना पड़ता है अगर छोटे होता है। तो कली कहाँ आनी चाहिए? कली नहीं, अच्छा कली नहीं, कली मैं परेशान होंगी, कली कहाँ से आएगी? हस्ती में चलो।